लो आ गई तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहन के। गुड, अब चुपचाप यहां खड़ी रहो और जैसा मैं कहती हूं वैसे करो। तुम मुझे लॉन्च तक ले जाने के लिए तैयार क्यों कर रही हो? कोई आया है क्या? हाँ, पार्टी में तुम्हें किसी ने पसंद कर लिया और यहां तक चला आया तुम्हारे लिए। कौन? मैं नहीं जानती, मैंने उसे पहले यहां कभी नहीं देखा और बहुत ही कोई मुश्किल सा नाम था उसका। क्या बता रही थी जुनैरा? खैर, मैं तुम्हें तैयार कर लूं। तुम गलत कर रहे हो मेरे साथ, तुम मुझे धोखा दे रही हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम यहां से निकालोगी मुझे, लेकिन तुम मुझे सजा कर किसी और के आगे पेश कर रहे हो। बुआ, ये सब क्या है यार? मुझ पे शक करने के अलावा कभी कुछ और भी सोच लिया करो यार। खैर, मुझे तुम्हें तैयार करना है, दिखाओ जरा। हाँ करो। बशीर, जाओ जाके देखो कहाँ रह गए ये लोग। लीजिए, आ गई दुआ। जिसका आपको इतनी बेचैनी से इंतजार था, बैठो। बल्कि ऐसा करो कि तुम गजनवी साहब के बराबर में आके बैठो। बहुत देर से बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे इनसे अकेले में बात करना है। किसी लड़की से ऐसे बात करोगे तो माफी मांगो। सॉरी मैम। अकेले में? हाँ हाँ जरूर जरूर करें। हम लोग बाहर चले जाते हैं। यहाँ नहीं, बाहर। बाहर जाफर। अच्छा, एक मुख्तसर मुलाकात के लिए मेरा ख्याल है ये रकम काफी होगी। क्यों नहीं, बशीर साथ चला जाएगा, वापसी पे साथ ले आएगा दुआ को। आप गौलबन मुझे काबिल भरोसा नहीं समझ रहे हैं। अरे गजनवी साहब, मैं भला ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि आपको वापसी पे से ड्रॉप करने की जहमत ना करनी पड़े। मुझे कोई जहमत नहीं होगी। मैंने दरअसल अभी तक दुआ, तुम जाओ और अपना ध्यान रखना, और गजनवी साहब पे तो हमें वैसे ही पूरा एतमाद है, अपने वादे और जबान के पक्के जो मशहूर हैं। अरे उठो ना, जाओ चले। हाँ।
कुछ बोलोगी नहीं तुम? क्या कहूं, मेरी जबान तो आपके दिए गए चेक के नीचे गिरवी रखी हुई है। वो मामूली रकम तुमसे मिलने का हर्जाना थी, इसे देते हुए मुझे जरा परेशानी नहीं हुई। कोई बहुत दूर चला जाए और फिर वापस आ जाए, ये कोई मामूली बात तो नहीं होती ना? समझी नहीं। पूछोगी नहीं मैं तुम्हें क्यों तलाश कर रहा था? जिसका खुद का पता खो गया हो उसे किसी और की तलाश से क्या मतलब? इसका मतलब है कि तुम पूछना नहीं चाहती मेरे बारे में। ठीक है, मैं ही पूछ लेता हूं, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझसे सच कहोगी। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि मैं कह रहा हूं। आप धमका रहे हैं मुझे। तुम मेरी धमकियों में आओगी क्या? पहली मुलाकात आज तक भूला नहीं हूं मैं। शायद अब आपकी धमकी में आ जाऊं। तब की दुआ और अब की दुआ में बहुत फर्क है। लेकिन मैं तो वो पुरानी वाली दुआ को ढूंढते हुए तुम तक पहुंचा। बहुत देर कर दिया आपने। वक्त खुद बहुत रुक जाएगा। मुझे तुम जो मिल गई। तुम वहां कैसे पहुंची, क्यों पहुंची, ये मैं नहीं जानता हूं। जानना चाहता भी नहीं हूं, लेकिन अगर तुम खुद कुछ बताना चाहो तो अलग बात है। एक पद साथ पे भरोसा कर बैठी। इससे ज्यादा आपको बताने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं। चाहती हो वो तुम्हारे पैरों में पड़े और माफिया मांगे। एक बार उसका नाम और शनाख्त बता दो मुझे, उसके बाद तुम जो चाहो सजा दे सकती हो उसे। नहीं, मैं माजी की किसी याद से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। क्या उसमें मेरा शुमार भी होता है? पता नहीं। निकलना चाहती हूँ वहां से।